न सिर्फ सईद मेहंदी साहब बल्कि उनके साथ एक पूरी टीम है जो इस काम को बहुत मजबूती से कर रही है। मैं सिर्फ उनके नाम बताना चाहूँगा और आपकी हौसला अफजाई भरी तालियां पूरी तमाम लोगों को सामूहिक रूप से मिलेंगी तो उनकी हौसला अफजाई होगी। हमारे स्टेज पर मौजूद हैं मुख्य संरक्षक के रूप में श्रीमती शबान आजमी साहिबा, हमारे संरक्षक विलायत जाफरी साहब भी मंच पर मौजूद हैं, अध्यक्ष सैयद महमूदुर रहमान रिजवी साहब, जाना पहचाना नाम है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रोफेसर शादीबुल दलवी साहब भी हमारे उपाध्यक्ष की हैसियत से इस एकेडमी में हैं, सैयद खुर्शीद मेहंदी साहब वो भी उपाध्यक्ष हैं, महासचिव की हैसियत से सैयद सईद मेहंदी साहब अभी आपसे अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे आपके सामने, और सचिव श्री करुणा शंकर जी, संस्थापक सदस्यों में भी कई नाम हैं, राकेश जी हैं जो इस समय बैठे भी हैं, और अभी और भी कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी एक पूरी टीम है जो पूरे साल इस काम को करती है। मैं गुजारिश करूँगा कि उस टीम की हौसला अफजाई एक बार तालियां बजाकर जरूर होनी चाहिए, पूरी टीम के लिए आपकी तालियां हों। आइए अवार्ड की बारी है। अवार्ड देने से पहले हालांकि ये वो शख्सियतें हैं जिनका किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हालांकि वो शख्सियतें जिनका नाम अभी बार बार लिया गया, रक्षंदा जलील साहिबा, उनकी खास बात यह है कि आप बैक वक्त इंग्लिश और उर्दू दोनों में काम करती हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, उनका नाम तो अंग्रेजी में ज्यादा लिया जाता है अंग्रेजी साहित्य के लिए, लेकिन बहुत सारे उर्दू की चीज़ों को हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके उर्दू में आना, ये भी उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत है, जो जिसमें उनका नाम बहुत मोटे मोटे अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, और तारीख इस बात की गवाह है कि उनकी जो तसानीफ हैं वो हम सब के बहुत दिल के करीब हुआ करती हैं। अपनी बहुत सारी कलाकृतियों के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे प्रकाशकों ने आपको प्रकाशित भी किया है, साथ साथ आपके पत्रों में जिनमें लेख समीक्षाएं और टिप्पणियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छपती हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी आपकी बहुत सारी रचनाएं छपती हैं। बहुत ज़्यादा तारुफ ना कराकर मैं दूसरा तारुफ कराना चाहूँ, मैं तीनों लोगों का तारुफ करा दूँ और उसके बाद आप लोगों को सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। 1 दिसंबर 1936 को जन्मे, 1959 में अपनी रचना यात्रा आरंभ करने वाले रविंद्र वर्मा जी, जिनके बारे में कहा गया कि उनके उपन्यास और खासतौर पर बच्चों का साहित्य, छोटी छोटी कहानियाँ, इतनी सारी उन्होंने लिख डाली है इस उम्र में कि लगता है कि कैसे कोई शख्स, कोई व्यक्ति इतनी सारी रचनाएं लिख सकता है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक और जहां कोई अकेला नहीं, 50 बरस का बेकार आदमी जैसी कहानियां उनका संग्रह उनकी पहचान को स्थापित करता है, वहीं किस्सा तोता, सिर्फ तोता गाया, शेर चिल्ली, जवाहर नगर, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, इस तरह के उपन्यास आपके इतने बहुचर्चित और इतने लोकप्रिय हैं जिनकी वजह से आप उपन्यासकारों के साथ साथ साथकारी के नाम में आपका नाम लिया जाता है। तीसरा नाम, जहां तक तरक्की पसंद तहरीर की बात की जाती है तो बहुत सारे नामों में एक नाम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, वो नाम है, सभी जानते हैं कि सज्जाद ज़हीर साहब का नाम कितने अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उनकी सुपुत्री, एक तरफ अगर कैफी आजमी साहब की सुपुत्री मंच पर बैठी है तो इस वक्त मंच के सामने सज्जाद ज़हीर साहब की बेटी नादरा ज़हीर बब्बर साहिबा बैठी हैं, उनका नाम थिएटर की दुनिया में कितने इज्जत एहतराम के दिया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनको भी आज हम लोग सम्मानित करेंगे। मैं एक एक करके इन तीनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएंगे, और मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब इज्जत नाब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब से गुजारिश करूंगा। आपको बताते चलें कि एक अंग वस्त्रम जो सम्मान का प्रतीक होता है, साथ में एक प्रशस्ति पत्र उनके कामों को प्रशस्ति के रूप में लिखते हुए, और साथ में एक राशि है जो उसके साथ दी जाती है, हालांकि उनके कला, उनके साहित्य जगत में उनके योगदान को देखते हुए, थिएटर में उनके योगदान को देखते हुए बहुत छोटी सी राशि है, लेकिन बताना ये चाहेंगे कि पिछले साल तक ये राशि 51,000 की होती थी, इस वर्ष एकेडमी ने ये राशि 1,00,000 रुपए की है, जो हम बगैर किसी उसके अपने रिसोर्सेज इसको हम लोग देते हैं, और मैं अपने वजीर आला और साथ साथ हमारे मेहमान अजीबकार आलोक रंजन साहब से भी गुजारिश करेंगे, दोनों लोग मिलकर आइए इन विभूतियों को अलंकित करें। सबसे पहले इस कड़ी में रक्षंदा जलील साहिबा, बराक्रम स्टेज पर तशरीफ लाएं। रक्षंदा जलील साहिबा के लिए आइए मुबारकबाद देते हैं उनको कैफी आजमी अवार्ड 2016 प्राप्त करने के लिए, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये सम्मान स्वीकार कर रही हैं। अंग वस्त्रम, साथ में ये स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, कितना खूबसूरत सा ये स्मृति चिन्ह है। और साथ में ये 1,00,000 रुपए का
चेक भी उसके साथ है कि ये सम्मान स्वरूप और हम सब की बहुत ढेर सारी तालियां, जोरदार तालियां रक्षंदा जलील साहिबा के लिए। उनसे गुजारिश करेंगे बराए करम अभी आप स्टेज पर ही तशरीफ रखेंगे साइड में। मैं गुजारिश करता हूं जनाब रविंद्र वर्मा साहब बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी का ये कैफी आजमी अवार्ड स्वीकार करने की कृपा करें। आइए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, बहुत सारी बधाइयां देते हुए कैफी आजमी साहब की तहरीक को आगे बढ़ाते हुए लेखन में और खासतौर पर उपन्यास हिंदी उपन्यास की अगर बात करें तो रविंद्र वर्मा जी का नाम बड़े अदब और इत्राम के साथ किया जाता है। ये अलग अलग तालियां अच्छी नहीं लग रही, जब भी कोई काम करें हम लोग तो सामूहिक रूप से करें तो और अच्छा लगता है, क्योंकि लखनऊ की मुबारकबाद थी तालियां हमेशा एक साथ हुआ करती हैं। आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए उस नाम को लेने जा रहे हैं जिस नाम को हम लोग आज कई बार सुबह से ले चुके हैं, क्योंकि बार बार ये नाम आ रहा है कि आज शाम को उनका प्ले भी हम लोग देखने जा रहे हैं। मोहतरमा नाजरा जहीद बब्बर साहिबा कार्यक्रम तशरीफ लाएं और गुजारिश करते हैं कि ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी का ये अवार्ड स्वीकार करने की कृपा करें। जिंदगी भर हम लोग सुनते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ राजभर साहब सामने बैठे हैं। और आपने कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे अगर राजभर साहब का हाथ है तो क्या उनको स्टेज पर नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं? उधर एक बार तालियां बजाई, क्योंकि हमारे वजीर आला भी कह रहे हैं कि उसको आना चाहिए। तीनों ही विभूतियों से अनुरोध करते हैं कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप लोग सामने आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। तीनों लोग एक साथ अपने कम से कम प्रशस्ति पत्र अपने हाथ में रखें तो अवार्डीज की एक ग्रुप फोटोग्राफ। हट जाओ भैया, सामने बैठो थोड़ा। तीनों अवार्डीज एक साथ हैं, ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है। इस लम्हे को यादगार बनाने में जहां एक तरफ ये सारे कैमरे हैं, वहीं तरफ आपकी और हमारी सबकी मुबारकबाद भरी तालियां भी होनी चाहिए। साथ में तालियां मुबारकबाद देते हुए कि ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे कि आप जिस मिशन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी मिशन में और आगे जाएं और कारहाय नुमाया अंजाम दें और दूसरों के लिए मिशन राह बने, दूसरों के लिए आप प्रेरणा दें अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग। हम दिल की गहराइयों से अपने मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेहमान जिलेकार आलोक रंजन साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अनुरोध करते हैं कि मंच पर अपना गरिमा में स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और अपने वार्डीज से अनुरोध करते हैं, सबसे पहले दो शब्दों में, दो लाइनों में अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें। रक्षंदा जलील साहिबा